प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एज ऑफ बानसुर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से अध्ययन कर रहे हैं आम की प्रश्न करने में। देखो, आम की प्रश्न हम जब हल करते हैं तो क्या है, दो तरीके हैं। एक तो आप जैसे माना कि कोई बड़ा कोई सूत्र लेते हैं, सोल्व करते हैं। दो तरीके हैं, एक तो आप सूत्र से सोल्व करेंगे। सूत्र आप लगाएंगे दर्पण वाला, जैसे 1/a बराबर क्या होता है, 1/b + 1/u होता है, ठीक है। तो आज हम आपको ऐसे शॉर्ट तरीके बताएंगे जिससे आप उस उत्तर के बजाय भी आप शॉर्ट फॉर्मूले से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो हम उसी दर्पण फॉर्मूले से हम कुछ शॉर्ट फॉर्मूले बनाएंगे जिससे आप किसी भी जो राशि है, जो भौतिक राशि, उसका मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे, जैसे अपन जानते हैं, हम जानते हैं दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण जो है वो क्या होता है, वो होता है 1/f = 1/b + 1/u। ये होता है हमारा दर्पण समीकरण, दर्पण सूत्र। देखिए हम इसकी सहायता से ही बनाएंगे दो अलग फॉर्मूले। कैसे, देखो अगर हम इसको u से गुणा कर दें दोनों पक्षों को, यानी दोनों पक्षों को u से गुणा करने पर, u से गुणा कर दें, किया जाएगा u/f = u/b + u/u। ठीक है भाई, देखिए u से u कट जाएगा, तो ये u/f = u/b, ठीक है, +1। एक बच गया, अब एक उधर ले आओ इस पक्ष में, तो u/f भाई इधर लेके आएंगे बराबर के, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 1/u/v। इसका लेवल लघुत्तम लेस है f का, या l से f आ जाएगा, दिया जाएगा u-f/f बराबर u/v आ जाएगा, u/v, ठीक है। अब देखिए आगे, अभी अगर हम इसको उल्टा कर दे, अगर इसको उल्टा करेंगे तो क्या है, देखो f जाएगा ऊपर, तो उल्टा करने से क्या है कि f और ये u-f हो जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा v/u, ये आ जाएगा v/u आ जाएगा इनको उल्टा करने से। अब अगर हम यहाँ पे चिन्ह परिपाटी लगाते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं चिन्ह परिपाटी दर्पण के हिसाब से, अगर हम दर्पण की बात करते हैं अवतल या उत्तल, तो दोनों में देखिए चिन्ह परिपाटी से, इसे देखो अगर हम दर्पण अवतल के लिए अगर इसको यूज करते हैं तो भी देखो अवतल में f क्या होता है, माइनस का, u क्या होता है, माइनस का, f क्या होता है, माइनस का बराबर। और देखो दर्पण अवतल में 5 कंडीशन ऐसे जहां पर v का मान जो है माइनस में होता है, और u भी क्या होता है, माइनस में, हो जाएगा -f/-u + f = आ जाएगा v/u आ जाएगा v/u, या फिर -f/f - u बराबर v/u आ जाएगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई f/f - u - v/u, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भाई m बराबर क्या होता है, -v/u होता है, m बराबर यह जाएगा m, दिया जाएगा f/f - u बराबर आ जाएगा m। तो ये इसकी शॉर्ट तरीका फॉर्मूला आ गया कि हम इससे इसका मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए बात हुई है, हम यहाँ पे ये जो है f का मतलब है फोकस दूरी, और u का मतलब है वृत्त की दूरी। अब देखिए अगर हमें किसी क्वेश्चन में फोकस दूरी का मान दे रखा हो, अगर हमें किसी क्वेश्चन में बिंब की दूरी का मान दे रखा हो,
तो हम यहाँ पे सीधे उनके मान रख करके हम आवर्धन का मान निकाल सकते हैं। या हो सकता है किसी क्वेश्चन में आवर्धन का मान दे रखा हो, अगर हमें फोकस दूरी का मान ज्ञात करवा रहा हो या हमें यू का मान ज्ञात करना हो, तो भी इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। यानी इससे हम एम का मान निकाल सकते हैं, यू का मान, या हम यहाँ से बी का मान भी निकाल सकते हैं। अब देखो इसी प्रकार से अभी हमने इसको यू से गुणा किया है, ठीक है, हम इसको बी से भी गुणा कर सकते हैं। अगर हम बी से गुणा करेंगे तो ये इसमें वी के रूप में सूत्र आ जाएगा। देखो कैसे, देखिए अगर हम इसको यहाँ बी से गुणा करते हैं, इसको दोनों पक्षों को बी से गुणा करने पर इसका जो फॉर्मूला है वो अलग टाइप में आ जाएगा। अगर आप यहां पे इसको v से गुणा करते हैं दोनों पक्षों को, v से गुणा करने पर तो क्या है, ये अपॉन f और v अपॉन v प्लस v अपॉन u, v अपॉन f इक्वल आ जाएगा, ये कट जाएगा, a प्लस v अपॉन u, एक इधर आ जाएगा, तो v अपॉन एफ माइनस वन बराबर v अपॉन यू, तो आगे आ जाएगा इसका लेस देन हो लघुत्तम एक, ये आ जाएगा v माइनस एफ बटे एफ बराबर v अपॉन यू आ जाएगा, ठीक है, v अपॉन यू। अब अपन जानते हैं कि भाई v अपॉन यू जो है जो m का मान होता है, m का मान होता है v अपॉन यू, तो अगर हम यहाँ चिन्ह परिवर्त लगाएंगे तो मान वही आएगा। लगाने से जैसे अगर बी का मान अगर बात करते अपन अवतल की बात करते तो ये आ जाएगा माइनस में, तो बी माइनस एफ अपॉन एफ बराबर एम, तो ये हम इससे एम का मान, बी का मान, एफ का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसकी थी शॉर्ट टिप थी इसकी, जो कि आवर्धन का मान ज्ञात करने की। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।